सुहागिनों का सालाना पर्व में जेल की दीवारों भी बाधा न बन सकी। जेल के अंदर विभिन्न आरोपों में बंद चली आ रही 31 महिला बंदियों ने गुरुवार को करवा चौथ का उपवास रखा और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी। जेल प्रशासन ने इन महिलाओं के उपवास के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र व जेलर संजय कुमार सिंह के अनुसार इन महिलाओं के लिए पूजा सामग्री से लेकर अन्य सामग्री के लिए जेल प्रशासन ने व्यवस्था की। खास बात यह रही, ऐसी 15 महिलाएं जिनके पतिदेव अभी जेल में बंद हैं, उनसे महिला बंदियों को इस पर्व पर मुलाकात की इजाजत दी गई। जेल अधीक्षक के अनुसार सामान्य तौर पर जेल के अंदर बंद महिलाओं को जेल में ही बंद अपने पतियों से मुलाकात की इजाजत नहीं होती है। केवल शनिवार के दिन ही ऐसा संभव होता है, क्योंकि सामान्य तौर पर शनिवार को जेल में मिलाई नहीं होती है, लेकिन इस पर्व पर यह सुविधा भी दी गई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बाहर से जो भी महिलाएं उनके पति से मुलाकात के लिए जेल पहुंची, उनकी मिलाई कराई गई। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर 65 से 70 महिला बंदी जेल में बंद रहती हैं। जिला कारागार हरदोई में कारागार में निरुद्ध सभी ऐसी महिला बंदियों को जो सुहागिन हैं, आज करवा चौथ का व्रत थी, उन्हें बाहर से उनके पति के मिलने की सुविधा प्रदान की गई। यदि महिला बंदियों ने अपने पति से बात करने की इच्छा जताई, उनको बात कराया गया, जो जेल में ही पुरुष बंदी निरुद्ध रहे हैं, महिला के पति रहे हैं, उनको उनके साथ पूजा करने तथा उनके साथ व्रत और त्यौहार मनाने की व्यवस्था कराई गई। सभी व्रत रहने वाली महिलाओं को व्रत में प्रयोग करने वाली सभी सामग्री कारागार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कारागार में आज 69 महिलाएं थीं, जिसमें 31 महिलाएं व्रत थीं और सभी को सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए। स्वाभाविक मुद्रा में सामान्य जीवन की तरह महिला बंदी जेल में निरुद्ध अपने पतियों के साथ व्रत की और बाहर अपने पतियों से वार्ता की तथा आने वाले पतियों से मुलाकात की। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।